म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा, कौन से म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाओ, पोर्टफोलियो का डिजाइन और एलोकेशन कैसा होना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड में हम कितना पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या बात करेंगे, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड के थ्रू यहाँ पे मंथली इनकम जनरेट करते हैं, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे SWP के थ्रू अपने होम लोन के EMI को पे करते हैं, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने कार लोन के EMI को म्यूचुअल फंड के थ्रू यहाँ पे करते हैं। इट मीन्स कि SWP के थ्रू यहाँ पे अपने EMI का पेमेंट करते हैं। अब ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या गलती नहीं करना है अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड SWP के थ्रू मंथली इनकम जनरेट कर रहे हो, कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हो जिसके थ्रू आप अपने EMI को पे कर सको, तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आप फ्यूचर में भी कुछ प्लानिंग करना चाहते हो, जो ये मैं आज आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, ये पॉइंट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप इस पॉइंट को मिस कर गए तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और ये स्ट्रैटेजी आपके लॉन्ग टाइम के लिए कामयाब नहीं होगा। चलिए सबसे पहले मैं वैसे इन्वेस्टर को मैं SWP का थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ जो काफ़ी नए इन्वेस्टर हैं। जैसे आप SIP करते हो तो आप हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, वैसे ही SWP उसके ठीक उल्टा है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इट मींस कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से हर महीना कुछ ना कुछ पैसा निकाल रहे हो और इससे आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो भी फुलफिल हो रहा है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। और इसके लिए आज मैं कुछ आपके सामने पॉइंट्स रखूंगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा कि आपको कभी भी किसी एक सेक्टर फंड पे डिपेंड नहीं होना है। अगर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट है तो कभी भी आप सेक्टर फंड में पैसा पार्क करके और मंथली विड्रॉल मत सेट करो, एक SWP सेट मत करो, क्योंकि जो सेक्टर फंड होता है भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा और कभी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर टेक्नोलॉजी फंड को देख सकते हैं, इसमें आपको देखने को मिला होगा कि 2021 में फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था लेकिन 2022 में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि आपको कभी भी वैसे फंड का सिलेक्शन नहीं करना है कि जो काफ़ी हायर रिटर्न दे रहा है, कभी भी उस म्यूचुअल फंड पे फोकस ना करें जो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आपको दे रहा है। आपको वैसे म्यूचुअल फंड पे फोकस करना है। अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड SWP का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको हायर कंसिस्टेंसी वाले फंड पे फोकस करना है, जिसका कंसिस्टेंसी लेवल काफ़ी स्ट्रांग हो और डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो, वैसे म्यूचुअल फंड को आप कॉन्सेंट्रेट करें। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप हमेशा कोशिश करें कि एक पोर्टफोलियो बना के चलें। अगर यहाँ पे हम एक फंड पे डिपेंड होंगे तो चांसेस बनता है कि कुछ नेगेटिव वैसे फंड के साथ हुआ तो आपके पूरा SWP पे असर पड़ेगा। यहाँ 2 से 3 फंड के साथ एक पोर्टफोलियो बना के चलते हैं तो कम से कम एक फंड में कुछ बुरा हुआ तो 2 फंड आपको सपोर्ट देगा और ऐसे आपका जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, वो कामयाब होगा। ये अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इन्वेस्टर गलती करते हैं कि SWP के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन विड्रॉल अमाउंट जो होता है, जो SWP अमाउंट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके चलते 5 साल या 10 साल में उनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 0 हो जाता है और उसके बाद उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। देखो, जब भी आप किसी अपने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ SWP का बेनिफिट ले रहे हो तो आपको कितना पैसा निकालना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो इक्विटी बेस्ड है तो यहाँ पे मंथली बेसिस पे ऑलमोस्ट आपको 0.6% से लेके 0.8% का मैक्सिमम विड्रॉल सेट करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। जी हाँ, अगर आप इससे ज़्यादा सेट करोगे तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है
काफी जल्दी जीरो हो जाएगा और जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमें ये भी देखना है कि हमारा फंड जो है वो ग्रो भी करे और हम कुछ ना कुछ पैसा से अपना जो मंथली इनकम है जनरेट करें और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। जी तो ज्यादा से ज्यादा 0.6% से लेकर 0.8% आप कर सकते हो अगर आपके पास इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। वहीं पे अगर आपके पास डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इट मींस कि आप यहां पे म्यूचुअल फंड SWP का बेनिफिट ले रहे हो, आपका पोर्टफोलियो डेप्थ ओरिएंटेड है, तो आपको यहां पे मैक्स टू मैक्स 0.2% का विड्रॉल मंथली बेसिस पे करना चाहिए, क्योंकि देखो यहां पे डेप्थ का जो रिटर्न है वो काफी कम होता है कंपेयर टू इक्विटी, तो वैसे ही आपका विड्रॉल अमाउंट होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। बहुत ऐसे इन्वेस्टर गलती करते हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट तो यहां पे इन्वेस्ट कर दिया और फिर जैसे ही इन्वेस्ट किया अगले महीने से यहाँ पे मंथली विड्रॉल सेट कर देते हैं। इट मींस कि मान लो आपने 5 लाख रुपए का लमसम किया और लमसम करने के बाद आप यहाँ पे महीने का 3,000 का SWP सेट कर देते हो। इट मींस कि 3,000 आपका विड्रो होके आपके अकाउंट में दिखेगा, तो ऐसे क्या प्रॉब्लम होगा? अगर अगले महीने से आप स्टार्ट करते हो तो आपका एग्जिट लोड अप्लाई हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप SWP का बेनिफिट लेना चाहते हो, अगर आपने यहाँ पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो कम से कम 1 साल के बाद आप विड्रॉल सेट करें और SWP का बेनिफिट स्टार्ट करें। इससे आपके फंड पे कोई एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा और आपका अमाउंट कुछ ग्रो भी हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि देखो अगर आप मंथली विड्रॉ यहाँ पे कर रहे हो, SWP का बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि SWP का जो डेट है आप 1 से 5 के बीच में सेलेक्ट करें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो अगर देखा जाए पिछले 1 साल का मैं अगर रिकॉर्ड देखूँ तो ये देखने को मिला है 1 से 5 के बीच में मोस्टली मार्केट काफ़ी हाई होता है और इससे म्यूचुअल फंड का NAV भी काफ़ी हाई देखने को मिलता है, और वहाँ अगर हम विड्रॉ करते हैं तो हमारा वहाँ पे वैल्यू भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो हम म्यूचुअल फंड SWP का बेनिफिट इसलिए लेते हैं कि कुछ मंथली एक्सपेंसेस हैं उसको फुलफिल कर सके। कोई लोन है उसके EMI के पेमेंट के लिए हम यहाँ पे कुछ विड्रॉ कर लें, या फिर कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई पर्सनल लोन लिए हो तो कभी भी आपको पर्सनल लोन के अगेंस्ट अपना एक SWP स्ट्रैटेजी नहीं बनाना है, क्योंकि देखो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो वहाँ ऑन द एवरेज 13 से 14% का रिटर्न है। मैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। तो आपका जो यहाँ पे विड्रॉ होना चाहिए वो 0.6% से लेके 0.8% के बीच में होना चाहिए, और ऐसे में अगर आप पर्सनल लोन का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और ऐसे में आपका जो पर्सनल लोन का EMI है उसको वो फुलफिल नहीं कर पाएगा और आपका फंड भी ग्रो नहीं हो पाएगा। इसीलिए कभी भी पर्सनल लोन के अगेंस्ट यहाँ पे SWP का प्लान ना करें। हमेशा होम लोन या फिर आप व्हीकल लोन ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो EMI है उसको फुलफिल करने के लिए आप म्यूचुअल फंड SWP का बेनिफिट ले सकते हो, एक पोर्टफोलियो बना के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स थे जो इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए आने वाले टाइम में, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके SWP के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।